यू हैव टू या जाना पड़ेगा. आई कैन अंडरस्टैंड. अच्छा नहीं लग रहा. इसने गाना लिया रील के लिए था, मम्मी मेरी शादी कर दो. ये पानी है जो इनके ऊपर गिरेगा. नहाएंगी इससे? डाला जाएगा. हल्दी हो रही है, हल्दी चढ़ रही है, हल्दी चढ़ाई जा रही है इसको. ब्लू और ये रहा. अरे तू पर्दा लग रहे हैं, नहीं दिखेंगे. पता है किधर आएगी? इधर नहीं आएगी, उधर आएगी. उधर फोटो आओ. बहुत अच्छी यार, उधर आएगी. स्ट्रगल करते हुए लोग. हाँ तान्या, क्या बोला था ममता दीदी ने? बताओ. फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड कर रही है. 3:30 हम सब थे. ममता दीदी ने बोला कि कल तो छाया भी आ रही है. ठीक है, क्यों आ रही हो, क्या करेगी? अच्छा, हमने बोला कि वो आपकी फ्रेंड है, आपसे इतना वो करती है लगाव कि तो आना चाहिए. रिजू क्या कह रही थी? रुको, 28 हमें दुखी करेगी. अच्छा, तो अब आप अपनी क्या सफाई देना चाहेंगे? मेरी सफाई मेरी फ्रेंड है. अब ये किसी की सफाई नहीं है, छाया है. ये सब कुछ यही कह सकती है. पीछे से चोटी क्यों काट रही हो? सच बता रही हूँ, ये मुझे पीछे से चोटी काट रही है. सच बोल, ये चोटी काटने जा रही है. सच बोल. हाँ तो मैं सच बोल रही हूँ. किस नहीं कह सकती, यही कह सकती. रहन दो, आ करवा दो. हाँ, ये मेरी फ्रेंड. 3:30 बनी है सुबह. सुबह 10 बात कह के बेइज्जती से करके ये मेरी फ्रेंड है. बताओ, ऐसा मत कहिए. बेलन तो दिखा दो भाभी अपना. हमने डेकोरेशन करी बीबी, कुछ पता नहीं चली हॉल की. बोलो कोई. ये शादी का लड्डू है. ये शादी का लड्डू फाइनली खब चुका है. अब ये खाएगी, पछताएगी. या क्या है वो, मुझे नहीं पता. खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो पछताओ. पर खा लिया है भाई इसने आज. खाके पछताएगी अभी. अभी कैसा लग रहा है? मीठा. अभी तो मीठा लगेगा कुछ समय. क्या? हल्दी की जो रस्म होती है वो पूरी हो चुकी है. और यहाँ पे सफाई वाले अपने सफाई के लिए लग चुके हैं. देखो अच्छे से करना भाई. ओके सर. देखो यहाँ पे रॉक्सी भी अपने रॉक्सी की क्या स्कर्ट है? फ्रॉक. देखो रॉक्सी भी सफाई करा रही है. देखो डिनर चल रहा है. ये बड़े भैया हैं, वो वाले बड़े भैया हैं, खा रहे हैं, खा चुके हैं. बताएंगे नहीं कितनी रोटी खाई है. चार खाई थी. ऑनेस्ट. हाँ. और ये गोल्डी पिस्सी, ये खाने लगे हैं, पता नहीं कितनी खाएंगे. ये तो ज्यादा ही. मैं पकड़ा दूं क्या, पता चल जाएगी. रॉक्सी को कलर कर दिया है नन्नी ने. और बेबी चावल खा रही है. ना ये इनका बेड है, तुम इनके बेड पे बैठी हो बीबी. और बिल्कुल कैंडी ताक में किसको मिले. सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि रॉक्सी बैठी है और बीबी कुछ नहीं कह रही है और हंस और रही है कि हम इनकी वीडियो बना रहे हैं. रॉक्सी साइड में बैठी है, कितने आराम से बिठा रखी है रॉक्सी. और पुटर पुटर खा रही है चावल और चीनी डाल के. और दांत है नहीं बीबी. दांत दिखाना, दांत दिखाओ. अपने दांत दिखा दो. काके तुम्हारे दांत. अरे भैरी भट्ट बुढ़िया. दोनों फ्रेम में आ रहे हो तो मेरा दोनों से क्वेश्चन है. तो क्या आप दोनों विदाई में रोएंगे? है देखो, गोल्डी भैया को मैंने भाभी की शादी में तो नहीं देखा, पर पिस्सी को देखा था. तो मेरा क्वेश्चन, पिस्सी क्या आप विदाई में रोएंगे? है हाँ या ना भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब हाँ समझी जाएगी.
दीदी क्या कर रही हो? पजामा सिल रही हूँ। इतनी रात को क्यों? गुस्सा आ रहा है। क्यों? ये बताएगी तानिया। हम डांस कर रहे, मैं नहीं, ये लोग और गुड्डा डांस कर रही थी। उसी डांस के बीच में गुड्डा पार्किंग में से जाकर जो सामने वालों का घर है उनके रैम में कुत्तों के साथ नाच रही थी। भाभी ने देखा और गुड्डा में एक धर दिया, साइड ली और कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। गुड्डा की साइड ली और भाभी को फिर गुस्सा आया कि मौसी जी ने उनकी साइड ली। भाभी गाड़ी में बैठकर जाने लगी थी, फिर गुड्डा रोने लगी और तब से इन माँ बेटी के बीच में दरार आ गई। पर्दे लगे हुए हैं, लड़ियां लगी हुई है, छाया वकील है, छाने लॉ कर ली, छाया डाइवोर्स करवा दो। अरे ये भी तो है, अरे ये खुद वकील है, पर ये आधी वकील है, तू पूरी वकील है। अब मुझे यूँ बताओ, सारी एक साथ सो गई, कुछ नीचे जा रही हो? मेरे ख्याल से तो हॉल में हम सब सो सकते हैं, गद्दा डाल के सुबह कमरे बहुत गंदे हो जाते हैं, बाहर सोते हैं हॉल में। ये इस तरह से कह रही है कि कमरा बहुत गंदा हो जाता है, इन्हें ये पूछो कि घर में हमारे अलावा और कौन है जो कमरा गंदा करता है। सिर्फ इस बेड पे और एक इस पर सोते हैं, सिर्फ तीन लोग, कैसे गंदा हो गया कमरा सोने से? ऐसे बजेंगे ना जो सुबह उठते हो ना तुम। मैं कपड़ों की तह बना के उठती हूँ, लड़ मत, मेहमाननी है, मेहमाननी की तरह रह। मैं कपड़ों, मेरी मेहमाननी देख रही है कितनी शांत है। बेस्ट फ्रेंड BFF फॉरएवर। ज्यादा काम इसने करा, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको कितना काम करा।